हरियाणा के जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी महावीर मडान द्वारा झांसा रोड पर स्थित शांति इनक्लेव में अपने आवास पर परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग आयोजित किया गया। इस सत्संग कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर सत्संग श्रवण किया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने भी सत्संग में भाग लेकर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। नगर परिषद थानेसर की पूर्व चेयरपर्सन एवं राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी श्रीमती उमा सुधा सहित इलाके के गणमान्य व्यक्ति और आमजन ने भी सत्संग श्रवण किया। इस मौके पर कार्यक्रम आयोजक महावीर मडान के निमंत्रण पर आए श्रद्धालुओं ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में गीता जी की पूजा अर्चना की और पुण्य लाभ अर्जित किया। सत्संग के दौरान गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने मनुष्य जीवन में श्रीमद् भागवत गीता की उपयोगिता एवं महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण और पाठन अवश्य करना चाहिए। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल ने भी श्रीमद् भागवत गीता की महिमा को नमन करते हुए कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में वह भी गीता के रहस्य को जानना चाहेंगे। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज ने जनता से मतदान करने की अपील भी की। जा रही है मेंटल डिस्टर्बेंस, उसको बिल्कुल शांत और स्थिर मोड में ला सकते हैं जो सूत्र गीता में, ऐसे बहुत से सूत्र हैं गीता में, ऐसी ढेरों प्रेरणाएं हैं जो ग्रस्त को आदर्श सद्भावना में ग्रस्त बना सकती है। आज मंच पर जो भाई बहन आए उन्हें जीव गीता की ओर से एक कैलेंडर दिया गया और उस कैलेंडर में 7 सूत्र 7 दिन और सच माने आप यदि ये सूत्र रोज पढ़ करके ग्रस्त को इन सूत्रों के भाव के साथ जोड़ लेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि ग्रस्त कितना एक सद्भावना में आदर्श ग्रस्त बन सकता है और तब आपको लगेगा कि गीता ये हम कितनी भ्रांति में रह रहे थे कि गीता केवल तब के लिए है कि जब कोई मरणशैया पर हो, यह गीता केवल मंदिर की शोभा है, तो अब तब आपको